हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपका म्यूकस प्लग निकलना स्टार्ट हो जाता है तो क्या ये डिलीवरी का संकेत होता है, म्यूकस प्लग निकलने के कितने दिन बाद आपकी डिलीवरी हो सकती है। फ्रेंड्स, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, नॉलेजेबल भी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बीच में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी मिस हो जाती है तो फिर जानकारी अधूरी रह जाती है। इस वजह से पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और आप सभी से और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी जल्दी कर लीजिए, और पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है कि हमारा बेबी चैनल भी है, उसको भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, बेबी से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं उस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जल्दी से जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूकस प्लग क्या होता है। बच्चेदानी के मुंह को म्यूकस प्लग पूरे तरीके से कवर करके रखता है कि ना तो बच्चे तक किसी भी तरीके का इन्फेक्शन पहुंच पाए और ना ही किसी भी तरीके के बच्चे तक बैक्टीरिया पहुंच पाए। मतलब गर्भ में बच्चा पूरे तरीके से सुरक्षित रहे, उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। आप जानते हैं ये म्यूकस प्लग कैसे बनता है। म्यूकस प्लग सर्विक से होने वाले डिस्चार्ज, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के मिलने से बनता है, और ये प्रेगनेंसी के आखिरी महीने तक बना रहता है। नॉर्मली म्यूकस प्लग सफ़ेद रंग का होता है और इसमें आपको हल्के हल्की गुलाबी रंग की धारियां सी भी दिख सकती हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आपका डिलीवरी टाइम जैसे जैसे पास आता है और बच्चा जब आपका हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो सर्विक्स पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में म्यूकस प्लग निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कई बार डिलीवरी के एंड टाइम पर भी एक साथ निकल सकता है या फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी निकल सकता है। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी का 37वां हफ्ता लगता है या 37वां हफ्ता पूरा हो जाता है, तब से ही म्यूकस प्लग निकलना शुरू हो जाता है। 9वां महीना लगते ही डिलीवरी कभी भी हो जाती है, और 9वां महीना लगने के बाद हमारा शरीर डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले डिलीवरी के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपका म्यूकस प्लग निकलना। जब म्यूकस प्लग नहीं निकलेगा तो सर्विक्स का मुँह भी नहीं खुलेगा, तो पहले म्यूकस प्लग निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो नॉर्मली 37 से 38 हफ्ते के बीच आपका म्यूकस प्लग निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका म्यूकस प्लग निकलना स्टार्ट हो जाता है तो डिलीवरी होने में कितना समय लग जाता है? तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि म्यूकस प्लग निकलना वैसे भी डिलीवरी करीब आने का संकेत होता है, लेकिन हो सकता है कि म्यूकस प्लग निकलने के 10 दिन के अंदर भी आपकी डिलीवरी हो जाए, या फिर आपको 15 दिन या 20 दिन भी लग सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपको लेवर पेन आने में या आपका सर्विक्स का पूरा मुंह खुलने में। जितना ज़्यादा समय आपका सर्विक्स का मुंह खुलने में लगेगा, डिलीवरी उतनी ही ज़्यादा लेट हो जाती है। सर्विक्स का मुंह जितने जल्दी खुल जाएगा, डिलीवरी भी आपकी जल्दी हो जाएगी। म्यूकस प्लग टोटली डिलीवरी का सिम्टम ही होता है। म्यूकस प्लग समझिए निकलना स्टार्ट हो गया है आपका, तो डिलीवरी अब जल्दी ही होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी म्यूकस प्लग को लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी म्यूकस प्लग निकलना स्टार्ट हो गया है तो आप अलर्ट हो जाइए, डिलीवरी के लिए अपनी तैयारियां करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है। अच्छा सा हॉस्पिटल भी आप देख कर रखिए कि किस हॉस्पिटल में आपको डिलीवरी करानी चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।